गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हम एक्चुअली जाने वाले थे माउंट पिलाटस इन लोसन। हम लोसन तक आ भी गए बट फिर हम लोग इन्फॉर्मेशन सेंटर में गए। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि एवरी सिटी यू गो फर्स्ट टू गो इन द इन्फॉर्मेशन सेंटर एंड टू आस्क क्या क्या मतलब है ये सिटी में देखने लाइक जस्ट टू कन्फर्म। हम लोग वहाँ पर गए तो वहाँ पर पता चला कि पिलाटस में बहुत बड़ी लाइन है और हम सिर्फ एक एक्टिविटी करने के लिए ही जा रहे थे। माउंटेन देखने में हमें अभी कोई इंटरेस्ट नहीं बचा बिकॉज एवरी डे वी आर जस्ट सीइंग माउंटेन। सो लाइक वो नहीं था तो वो तो बंद ही था, मतलब वो एक्टिविटी बंद था। सो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप क्रूज़ में आ जाइए। तो अभी मैं फ़िलहाल क्रूज़ में हूँ। अच्छे से बैठने को मुझे लकीली जगह मिल गई, एकदम एंड मोमेंट में भाग के मैं और मुझे आए हैं एंड अभी मैं क्रूज़ के मज़े ले रही हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ, हाँ ये लेक लूसन ही है एंड अभी हम लोग उस पर टूर ले रहे हैं। एक्चुअली ये पूरी क्रूज़ 5 घंटे की है बट अभी हम 40 मिनट्स का ही ट्रैवल करेंगे इसमें और जो इसका नेक्स्ट स्टॉप है 40 मिनट्स के बाद इसमें हम उधर जाएंगे एंड फिर वहाँ का जो एरिया है वो एक्सप्लोर करेंगे। अभी हमें बीच दिख रहा है, हम थोड़ा आगे हैं। पहला एक्चुअली हमें बीच दिख रहा है, अदरवाइज डायरेक्टली ऐसे लेक से दिख रहे थे। थोड़ा सा गोवा वाइब्स ही उन्होंने। कुमार भी हमारे साथ आ गए, सबको थोड़ा शिफ्ट शिफ्ट होने का बोलते। सो फिर हमने ली थी ये इलेक्ट्रिक बाइक रेंट पे। यहाँ पे टू व्हीलर में जैसे अपने यहाँ पे एक्टिवा होता है वहाँ पे ये टू व्हीलर में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। पेट्रोल वगैरह इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते उन लोग, सो इलेक्ट्रिक बाइक्स वे वेरी हैंडी। सो जस्ट वी वांटेड टू ट्राई एंड हमने ट्राई किया एंड बहुत मज़ा आया। काफ़ी एंजॉय किया। अभी हम शिप से वापस जा रहे हैं लूसन एंड फिर लूसन सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, खाना भी खा लेंगे एंड पता नहीं फिर और क्या करेंगे। जो करेंगे वो आपको जरूर बताएंगे। ऑन टू आइसक्रीम्स अगेन बिकॉज वेज फूड में यही ओरियो यही अवेलेबल है। सो वी हैव टेकन ओरियो एंड हेज़लनट एंड इतना बड़ा टब आ रहा है हमारे लिए। ये देखिए कितने बड़े बबल्स बना रहे हैं। ओह माय गॉड, वाओ सो क्यूट। ये एक रोप है, ये रोप को ऐसे करके बना रहा है, सो क्यूट। स्टेशन से लूसन स्टेशन से बस पकड़ के 2 मिनट की बस थी यहाँ पे आए हैं। इसका एक्चुअली कुछ तो स्टोरी है जो हम लोग को पता नहीं चल रहा है, इसके लिए ये ऐसा बनाया गया है। दिस इज लाइक एन इंजर्ड एनिमल बट हाँ आई मीन ऑफकोर्स लायन, पता नहीं इसकी स्टोरी क्या है तो इसके लिए ये ऐसा बनाया गया है यहाँ पे। एंड यहाँ पे नीचे पानी देखो यार, हर जगह जहाँ पे भी जाओ एकदम साफ सुथरा पानी दिखता है, मज़ा आ जाता है। एंड अगेन मोहब्बतें वाले पत्ते हैं इनके पास, वाह। सो ये रही उसकी स्टोरी, लॉयल्टी के ऊपर इसकी स्टोरी है एंड इसलिए ये ऐसे बनाया गया है। यहाँ पे चापल ब्रिज फेमस है, ये पूरा ब्रिज वुड का बना हुआ है, जूने ज़माने का है तो वो देखने आए हैं। बहुत सारी भीड़ भी है यहाँ पे आज, थोड़ी चलिए अंदर जाके भी देख लेते कैसा है। ये देखिए ये पूरा ब्रिज इस तरीके से वुडन का ही बना हुआ है, वुड का, और दोनों साइड से लेक का व्यू है जहाँ से अभी हमने फेरी ली थी उस तरफ से और हमने पूरा एक उसका राइड किया था तो यहाँ से भी लेक दिखता है। अभी हम फिर से मीग्रोज में आए हैं एंड यहाँ पे सारे फ्रूट्स पे भी डिस्काउंट लगा है। सो इट इज़ लाइक 2 CHF, 2.5, 1.5 जो कि काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में, और काफ़ी सारे यहाँ के लोकलिट्स भी यहाँ से आके लेके जाते हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ एक नहीं दो तीन चीज़ें दिखाती हूँ। इट्स लाइक बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े लेमन है। कोलकाता में ऑलरेडी बड़े मिलते बट आई थिंक उससे भी ज़्यादा बड़े, तो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये लेमन है, मेरा पूरा हाथ भर गया, इतना बड़ा लेमन है ये। और इनके पास फिर इनके पास ये रेड बेरीज, ब्लैक बेरीज, वहाँ पे ब्लू बेरीज भी है और ये भी कोई फ्रूट है, मुझे पता नहीं कौन सा फ्रूट है बट ये देखने में काफ़ी एक्साइटिंग लगता है।
आपने रेड देखा होगा, पिंक देखा होगा, वाइट भी है, बट हैव यू सीन दिस लैवेंडर? मुझे एकदम ही ना मानसी माओ यूट्यूबर की याद आ रही है, शी वुड हैव लव्ड दिस, इट्स सो ब्यूटीफुल। और ये पिंक भी, पिंक एंड वाइट, इट्स सो नाइस। और ये सारे रियल है, ये फेक नहीं है, ये सारे रियल है। सो एक्चुअली अभी हम बस पकड़ के वापस होटल ही जा रहे थे, बट आज पहली बार विदेश में आके घूम चुके हैं हम लोग। हम लोग को जाना था बाल्सबर्ग बेनॉफ, और हम लोग दूसरी को बस में चढ़ गए जहाँ पे बाल्सबर्ग हाडलर करके था। तो यहाँ पे एक तो एक ही नाम से आगे दूसरा कुछ होता है, और ऐसे ही तीन चार नाम से स्टेशन होते हैं, तो हम कन्फ्यूज़ हो गए और हम चढ़ गए उसमें। फिर हमने मैप लगाया तो वो 500 मीटर पे दिखा रहा था हमारा घर, लेकिन यहाँ से गए तो वो तो पार्किंग लॉट था। सो हम लोग सच में गुम हो चुके हैं। तो हम लोग अभी वापस बस स्टेशन ही जा रहे हैं, यहाँ से हम वापस स्टेशन जाएंगे, फिर हमारी बस पकड़ के घर जाएंगे। यहाँ होटल पहुँच गए हम वापस, एक्चुअली बस स्टेशन ही जा रहे थे फिर से एयरपोर्ट जाने के लिए, लेकिन फिर से हमने दूसरी बार सोचा कि गूगल में चेक कर लेते, बाई चांस दिखा दे कोई रास्ता। तो हम लोग एक्चुअली उल्टे डायरेक्शन में गए थे, फिर वहाँ से ही स्ट्रेट चल के आए तो हमारा होटल आ गया। तो अभी बस जाएंगे, खाना खाएंगे, एंड दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई सी यू टुमारो, बाय। फाइनली आज का लास्ट डे हम आए हैं यूनाइटेड नेशंस, एंड ये है सारे देशों के फ्लैग्स। सो ऑब्वियसली सबसे आगे है स्विट्ज़रलैंड का, एंड इंडिया का ये लाइन में पीछे है। इफ़ यू हैव स्पॉटेड तो कमेंट ऑन बिलो। एक्चुअली मैं स्पेसिफिकली ढूंढ रही थी, बिकॉज ऑल्सो येस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माई व्यूअर्स एंड माई सब्सक्राइबर्स। एंड ऑल्सो सामने है ब्रोकन चेयर, बस अभी हम थोड़ी देर में वहाँ पे भी जाएंगे। ये फ़ोटो में जितना दिख रहा है उससे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आप लोग जो खड़े हैं वो देख सकते हो, एंड ऊपर इतना सा हाइट है। सो वी विल बी ऑल्सो गोइंग देयर, एंड फिर और एक जगह पे भी जाना है, तो एस बी को विल शो यू। अभी हम आ गए हैं लेक जेनीवा के पास, एंड वी आर नियर टू वन ऑफ द बिगेस्ट फाउंटेन, और आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। व्हाट आई एम हैप्पी इज अबाउट दिस रेनबो। थोड़ा नीचे उतर गई हूँ और पास का व्यू दिखाने के लिए, और यहाँ पे तो मैंने इतने रेनबोज देखे और कितना प्यारा लग रहा है यार, विप्योर इज रियल, सो स्वीट। और एकदम ऐसे पानी के साथ है ना, वो कलर्स भी ऐसे नीचे नीचे जा रहे हैं, बिकॉज वो पानी पे रिफ्लेक्शन पड़ के रेनबो क्रिएट हो रहा है यार। स्विट्जरलैंड में नेचर्स ब्यूटी यूं ही नहीं बोला जाता है, ऐसी ऐसी तरीके से इन लोगों ने सारा कुछ क्रिएट किया है कि एक बार तो देख के मजा ही आ जाता है। सो बेसिकली ये फाउंटेन बना हुआ है 1951 में स्टार्ट हो चुका है, और इसकी हाइट 140 मीटर तक हाइट है इसकी, 200 किलोमीटर पर आर की स्पीड से पानी छूटता है इसका, और एक सेकंड के अंदर 500 लीटर पानी निकाल देता है ये। और इसको चलाने के लिए 1000 किलो वाट की पावर लगती है। तो चलिए जाते हैं इसके पास, वी आर ऑन द वे टू द माउंटेन, एकदम पास आ चुके हैं। और थोड़ा पास जाना चाहे तो भी जा सकते हैं, बट पूरे गीले हो जाएंगे इसलिए नहीं जा रहे। और इसका जो ब्लो है पानी का वो एकदम दूर तक वहाँ तक जा रहा है, एंड अभी यहाँ से रेनबो चला गया है और उस बाजू है, सो नाइस। पास में खड़े, क्या आप रेनबो देख पा रहे हो? फुल रेनबो है, फुल। भीग गए वहाँ पे हम खड़े थे, हमारे पे पानी भी नहीं आ रहा था, सडनली हवा ने अपना रुख बदला और हम भीग गए। और मुझे भीगना बिल्कुल नहीं पसंद है, मेरी शूज़ भी गिली हो गई, मेरी पैंट भी मैंने मोटी सी पहनी वो भी गिली हो गई, बट अभी कुछ कर नहीं सकते, तो अभी हम थोड़ा धूप में बैठे। धूप में सुखा रहे। सो ये खूबसूरत रेनबो के व्यू के साथ दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू गाइज टुमारो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड गुड बाय।